असलमकम दोस्तों एक बड़ी ज़बरदस्त नई कार्रवाई डाली जा रही है ठीक है और ये कार्रवाई जो लोग कह रहे थे ना कि एन आर ओ टू मुकम्मल हो गया नहीं मुकम्मल हुआ ये रहता था अभी अच्छा हुआ क्या है कि कल पार्लियामेंट में एक तरमीमी बिल पेश किया गया है कि जो आइन का आर्टिकल है सी टू वन एफ़ उसको तरमीम कर दिया जिसमें चेंजेस कर दिया यहाँ ये वही आर्टिकल है जिसके तहत सब लोग नायल हुए हैं फॉर लाइफ फारस वाडा भी और नवाज़ शरीफ भी अच्छा अब आज क्या हुआ है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की तवयफ है ना बंदरयाल भाई उसने क्या कहा है कि ये जो सिक्सटी टू वन एफ़ है ये काला कानून है हमें मुल्क में सादर कमीन कोई बंदा नहीं चाहिए हमें कोई बंदा ऐसा नहीं चाहिए जो हुकूमत में हो और वो सदर कमीन हो अब यहाँ मज़ेदार बात क्या है कि जो फैसल वाडा है ना उसने मुकदमा किया था कि मेरे पास दोहरी शहरीत थी मुझे ताहयात यात नायल ना किया जाए उसके लिए उसने अपील की हुई है उसके जवाब में उन्होंने कहा अब केस तो फैसल वाडा का है लेकिन उसकी उसके पीछे से किसको बरी किया जाएगा नवाज़ शरीफ को फैसल वॉडा ने जिस केस के लिए अपील की हुई है वो है सिक्सटी टू ए जबकि जो नाइली है वो है सिक्सटी टू वन एफ़ तो अब सिक्सटी टू ए क्योंकि सिक्सटी टू सारा कानून जो है ना इन्हीं चीज़ों को डील करता है कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता तो उसके यूज़ करते हुए अब नवाज़ शरीफ को ये मुल्क में लाया जाएगा उसकी नाइली ख़त्म की जाएगी पी टी आई को के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाएगी अब मज़ेदार बात यह है कि सिक्सटी टू वन एफ़ के तरमीमी बिल पेश किसने किया पलवशा खान पीपल पार्टी की और उसमें है क्या ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जी हाँ उसमें जो सादिक औरमीन का लफ्ज़ था ना उसको चेंज कर देना और उसको चेंज करके क्या कर देना है रास्त गो और वफा शुआर सादिक उमीन नहीं चाहिए रास्त गो और वफा शुआर चाहिए कसम ले लो कि पलवशा खान को इसका मतलब भी आता हो ये फजल, फजलू शैतान जो है ना उसने ये बताया होगा कि ये लफ्ज़ शामिल करो और इसको यूज़ करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और सादक अमीन को ख़त्म कर सकें एक और चक्करबाजी की है कि उन्होंने इस्लाम को यूज़ किया है और ये इस्लाम यूज़ करने वाला फजल शैतान ही है उसमें उन्होंने कहा है कि सादिक और अमीन सिर्फ़ हजूर सल वसम की तात मुबारक है इसके अलावा और दुनिया में कायन में कोई शादिक अमीर नहीं है इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाए ये एक्सक्यूज़ पेश किया गया है हजूल वसम की हम सुन्नतों पर अमल करते हैं तो इसका मतलब है कि नमाज सिर्फ वही पढ़ सकते थे हम नहीं पढ़ सकते रोज़ा सिर्फ वो रख सकते थे हम नहीं रख सकते यानी हर अच्छा काम जो है वो हज़ुर सलम को करना तो ठीक है लेकिन हमने नहीं करना वो साद अमीन है हमने नहीं सदी बनना यानी ये तोह रसालत है मेरी नज़र में कि आप हजूसम की सुनत को ख़त्म करना चाहते हैं उसको उन्हीं उसी के ख़िलाफ़ यूज़ करें बल्कि आप हमारे खिलाफ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अवाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ भी कानून को यूज़ करें और ये फ़जल शैतान ही कर सकता है अब आपको समझ लगी कि ये एक टाइमिंग होती है बेसिकली और इसमें चूँकि न्यूट्रल भी सादे को नहीं है तो उसका भी फायदा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग